थोड़ा रुको अभी। जय श्री माता जी। दीदी यहाँ बेंगलोर में तो बारिश हो रही है। इधर भी बारिश हो रही है, कल रात से हमारे यहाँ भी बारिश है, कल रात से पूरा बारिश ही बारिश है। दीदी हम जो यूज करते हैं ना वो चप्पल से कर सकते हैं? डेली यूज कर सकते हैं? कर रहे करने पर नहीं, यूज किया हुआ चप्पल से करना है, और यूज करने के बाद, ये शू बिट के लिए करने के बाद यूज नहीं करना, ऐसे श्री माता जी ने बताया। ओके। वो स्पीच फॉरवर्ड करते थे ना बार बार, राइट और लेफ्ट चप्पल के लिए, उसमें श्रीमती जी ने बताई है। दीदी या जस्ट फाउंड आउट दीदी, सो जय श्री कृष्ण। वी आर करेंटली इन अदर सिटी, सो लाइक इफ वी डू नॉट हैव एनी यूज चप्पल्स, इज इट ओके टू डू विद द चप्पल्स वी आर यूजिंग, और इट्स नॉट रिकमेंडेड टू कंटिन्यू विद दैट? No, yeah. Srimata ji is not recommended to continue that with that. No. No. Okay. So when Srimata ji says something, we have to follow. We don't know why she is telling. No? Yeah. Alternate. Jee. Yeah. Yeah. Sorry, Didi, just wanted to confirm. जो जिस चप्पल से शू बिल्ड कर लिया उसे यूज नहीं करना, ऐसा बोल रहे हैं? हाँ हाँ, वो श्रीमाता जी ने बताया है, वो लेफ्ट चप्पल और राइट चप्पल के बारे में श्रीमाता ने जो जो स्पीच में बताए हैं, बार बार व्हाट्सएप में हमने फ्लो किया है, उसमें श्रीमाता जी ने जो बताए हैं, आप इस शोबिट करने के बाद चप्पल को यूज मत करो। ओके। दीदी मैं तो नई चप्पल ली हुई है शोबिट के लिए। नहीं ऐसा नहीं है, नया चप्पल ला के आपको पहनना है उसको, एक दिन दो दिन पहनने के बाद उसको यूज करना, नया चप्पल ला ला के शोबिट के लिए नहीं होता। एक दो दिन पहनो, एक दिन दो दिन पहनो, उसके बाद यूज करो, ऐसा है। यूज चप्पल होना चाहिए, मगर शू बिट करने के बाद हम यूज नहीं करेंगे। जैसे फुट सॉक का टब हम दूसरे में यूज नहीं करते हैं ना, दूसरे काम में नहीं लेते हैं फुट सॉक टब, लाइक दैट वी हैव टू शू बिट चप्पल, यूज्ड चप्पल वी हैव टू यूज फॉर बिटिंग, एंड वी शुड नॉट यूज आफ्टर दैट, आफ्टर शू बिटिंग। ओके एवरीबॉडी रेडी, सब लोग तैयार हैं? रेडी है दीदी। ओके हाँ ओके, हम आकाश की तरफ देखेंगे। चित्त सहस्रार में, चित्त सहस्रार में रहेगा, दोनों हाथों को महसूस करेंगे, लेट अस फील बोथ वाइब्रेशंस इन सहस्रार एंड हैंड फिंगर्स। Okay, let us pray. Hey Akash Devta, please bless us with sky element, Akash Tattva. Hame Akash Tattva pradan kijiye aur hame Virat ke ang pratyang banane ki kripa kijiye. And please make us ang pratyanga of Virata. Now, putting Vishuddhi fingers in both the ears and locking it, and let us chant Allahu Akbar looking towards sky. We have to open the throat and fully we have to fully turn our face to sky, and then opening with open eyes we have to take, humko pura gardan ko uthana hai, chehre pura aakash ki taraf hona chahiye, aur aankh khula rakhte hue humko Allahu Akbar bolna hai 16 times, 16 bar hum abhi shuru karenge. Allahu Akbar, Allah 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 Akbar,
अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः. Let us fold our hands and bow down to Akash Devta and let us sit for Shubit now. Please, all of you mute because I am wearing earphone. Please, all of you mute. कृपा कर सब लोग म्यूट कीजिए, अपना मोबाइल म्यूट कीजिए. बहुत आवाज आती है तो जिस जिसने ईयरफोन पहना है उनको तकलीफ होगा. ओके, दोनों हाथ गोद में, चित्त सहस्रार में. दीदी कोई तो म्यूट नहीं किया है, किसने म्यूट नहीं किया है? आपका घर का आवाज, टीवी का आवाज सब आएगा. दोनों हाथ गोद में, चित्त सहस्रार में. लेट अस फील वाइब्रेशंस इन बोथ द हैंड्स एंड नाउ लेट अस टेक बंधन विद दिस वाइब्रेशंस. हम अभी जो हाथों में चैतन्य को महसूस किया है उस चैतन्य से बंधन लेंगे. लेट अस फील मदर कुंडलिनी मूविंग अपवर्ड अलोंग विद अवर हैंड्स एंड टेक हर आउट एंड गिव इट नॉट. हाथ के साथ साथ मदर कुंडलिनी, कुंडलिनी माता ऊपर आने की महसूस हमको रीढ़ की हड्डियों में करना है, चक्रों में क्रॉस करते हुए, और उसको हम ऊपर बांध के रखेंगे. कर सकते हैं. नाउ लेट अस टेक कवच ऑफ वाइब्रेशन, स्लोली मूविंग अवर हैंड अराउंड अवर बॉडी, फ्लोइंग द vibrations around our body. Vibration को बहुत का flow हो रहा है क्या हमारे उंगलियों से? आज तो बहुत अच्छे से feel करना चाहिए सबको. Liver cool किया है हम सब ने. जय श्री माता जी. अभी इस जगह को साफ करेंगे जहां हम शुभिट करने जा रहे हैं. नाउ लेट अस क्लीन दिस प्लेस विद वाइब्रेशन वेयर वी आर गोइंग टू शुभिट. लेट अस फ्लो द वाइब्रेशन ऑफ ऑल द सेवन चक्रास, सातों चक्रों की चैतन्य को हम बहाएंगे. जितना हम चैतन्य बहाएंगे उतना चैतन्य हमारे अंदर आएगा, फ्रेश वाला, उसमें एनर्जी ज्यादा रहेगा. जो अंदर स्टॉक करेंगे वो फिर उधर का एनर्जी को, उसका एनर्जी को, शक्ति को देगा. फिर उधर बैठ बैठ के हमको घुटन में दर्द, इधर दर्द, उधर दर्द शुरू हो जाएगा. इसलिए बहुत अच्छे से हमको बहाना है. सो नाउ लेट अस गिव बंधन. व्हेन वी फ्लो द वाइब्रेशंस वी गेट न्यू वाइब्रेशंस विद द एनर्जी. व्हेन वी स्टॉक द वाइब्रेशन विद इन देन इट विल लूज इट्स एनर्जी एंड इट स्टार्ट गिविंग पेन इन द जॉइंट्स. अब हम दोनों हाथों को धरती माता के ऊपर रखेंगे. लेट अस प्लेस बोथ द हैंड्स ऑन मदर अर्थ. लेट अस टेक परमिशन लेंगे. श्री गणेश प्लीज परमिट अस टू डू कलेक्टिव शुभिट एंड रिमूव ऑल द ऑब्स्टेकल्स, ऑल द विघ्नस. हे आदिभूमि माता प्लीज फॉरगिव अस एंड परमिट अस टू डू collective shubit
and please remove all the badas and obstacles. Let us fold our hands and bow down to Mother Earth. Hum haath judke sar jhukayenge Mother Earth ko aur pranam karenge. Hum Bhumi Mata ka mantra le bhi sakte hain. Lenge. Let us take Bhumi Mata mantra. Once again, please let us put both the hands on Mother Earth. Pura chitta sahasrar mein. Om Tvameva Sakshat. Shri Adi Bhumi Mata Sakshat, Shri Adi Shakti Mataji, Shri Nirmala Devi Namo Namaha. Okay, pranam karenge. Now, first round, we are going to beat is the person whom we want to bring into Saj Yoga. So, first round, you have to write the names of the persons. It may be your relatives, friends, neighbor, whoever it may be. So, first round, we do that one. Second round, in our ascent, we are getting badas from persons. We can write their names, but for parents, husband, and in-laws, we have to write the bad qualities. Because of what we are getting the प्रॉब्लम दीदी अपने बाधा के लिए कौन सा राउंड होगा हमारे बाधा के लिए वो थर्ड राउंड होगा लास्ट वाला अच्छा लास्ट हाँ हाँ ठीक है हाँ दीदी दीदी मोर देन वन नेम्स कैन बी रिटन या सी वन रीजन वी हैव टू राइट वन रीजन वन टॉपिक विल कम अंडर सो वी कैन राइट द नेम्स 3, 4, 5, 6, 7, 8. Suppose I want three persons to bring in Sahaja Yoga. So I can write their names. Yeah, the topic is bring in Sahaja Yoga. Hindi mein boliye. Dekhiye, hum ek matlab ek reason ke liye. Hum Sahaja Yoga mein lane ka reason hai hamara. Uske andar hamara agar 4-5 logon ka naam, 7 logon ka naam. We can write. The topic is one. The bringing into Sahaja Yoga. So okay, we cannot mix up the reasons. Okay, we cannot mix up the disturbances and bringing into Sahaja. We cannot do both the mix up. Okay. One reason. Thank you. We can write the names, more names. Okay. Yeah. Jai Shri Mataji. Jai Shri Mataji. हम किसको सहयोग में लाने के लिए इच्छा कर रहे हैं? सिर्फ उन्हीं का नाम रखना है और किसके किस से बाधा आ रही है, problem है, उसका नाम अभी इधर नहीं लिख ले हैं, ठीक है? Now let us put one circle with our Vishuddhi finger. Chitta Sahasrar mein, our left hand mein, let us suck the vibration from right hand and use the vibration from left hand while writing, putting circle, giving bandhan. Every time we have to feel the vibration in our right finger, Vishuddhi finger and left hand. हम हर चीज कार्य करते समय सर्कल डाल रहे हो लिख रहे हो सभी समय में हम लेफ्ट हैंड से चैतन्य को लेने का और राइट हैंड में चैतन्य से लिखने का हमको कोशिश करना है तो हम पूरा चैतन्य से रहेंगे चैतन्य में रहेंगे तो हम बाहर हमारा चित्त नहीं जाएगा आग तो नहीं जाएगा क्योंकि हमने पूरा चित्त के ऊपर आज काम किया है तो अब हम सबका नाम लिखेंगे जिस जिस का नाम आपको लिखना है प्लीज राइट ऑल द नेम्स To whom you want to bring into Sahaja Yoga. Likh lijiyega. Is circle ke andar likh lijiye. इन लोगों के आत्मोन्नति के मार्ग में आड़ आने वाले सभी प्रकार के अड़चने आड़ और बाधाएं ऐसे लिखेंगे इसमें सब उनका अहंकार प्रतिहंकार अगुरु का फॉलो सब कुछ आ जाएगा एट द एंड यू राइट ऑल द सूक्ष्म अति सूक्ष्म ऑब्स्टेकल्स एंड बाधास इन दिस पीपल्स एसेंट एट द एंड वी राइट दैट वन नाउ लेट अस गिव बंधन ऑफ वाइब्रेशन
वाइब्रेशन के बंधन देंगे. Let us vibrate this, what you have written. Chitta Sahasrara mein Purna Nirvicharita mein. Let us take left chappal and give bandhan with vibration. Make this efficient. Isko shaktishali banane ke liye chappal ko, hum isko chaitanya denge. Now, looking towards sky, being in purna thoughtlessness, total thoughtlessness, we have to beat very slowly, respecting Mother Earth, but we have to beat very slowly, looking to with open eyes. Hum aankhon ko khula rakhte hue, aakash ke taraf dekhte hue, purna nirvicharita mein. Isko bahut halke haathon se beat karna hai. Let us start now. पूर्ण रूप से सहस्रार खुला है, ब्रह्मरंज खुल रहा है, हाथ में पूरा वाइब्रेशन फ्लो हो रही है. महसूस कीजिए आपके साथ क्या हो रहा है. चैतन्य अंदर आ रहा है ना, उसको अंदर आने दीजिए. हो सके तो लेफ्ट राइट हैंड में ले आके चप्पल में दे दीजिए. इफ द नेक्टर इज कमिंग इन, सो इफ पॉसिबल from Vishuddhi, please divert it to right hand and to up to chappal. Okay, now let us stop. Let us collect this and throw into sky element. Isko ikatta karke aakash ki taraf fenking. Once again, let us clean this place with vibrations. फिर से हम इस जगह को शुद्ध करेंगे चैतन्य से. Let us put one more circle. और एक round डालेंगे विशुद्धि finger से. Left hand से चैतन्य को लेते हुए right hand से हमको कार्य करना है. इधर हम जिसके कारण हमको हमारे आत्मोन्नति के मार्ग में तकलीफें हैं उसको लिखना है. अगर पेरेंट्स है, हस्बैंड है, ससुर जी ससुमा है, इन लॉज है, इन लोगों के किस आदत के कारण, किस बुरे व्यवहार के कारण हमको तकलीफ हो रहा है उस व्यवहार को लिखना है. उनके नाम नहीं लिखना है. वी प्लीज डोंट राइट हस्बैंड्स नेम, पेरेंट्स नेम एंड इन लॉज नेम. बट द रीजन the problem or because of what we are getting from which behavior, so we write that problem, the behavioral problems or habitual problems, anything which may be in other cases. Jayashimati, in other cases we can write others names. Yes. Agar aise koi nahi hai to
जैसे पेरेंट्स पेरेंट्स को साइज पेरेंट्स को जैसे साइज में लाना है तो उसके लिए कैसे लिखेंगे दीदी जय श्री माता जी तेलुगु बोले तेलुगु ट्रांसलेशन बाद में राम भैया करेंगे तेलुगु मुझे समझ में आता है मगर बोलना नहीं आता है चप्पू नहीं सकता ठीक है दीदी पेरेंट्स को सहयोग में लाना है उसके लिए तो क्या करना है दीदी कोई नहीं है तो क्या लिखना है ऐसा कोई नहीं है तो देखिए कोई ना कोई तेलुगु बोलो asking, please. Didi, sorry, I muted you. Can you unmute yourself? Sorry. Sincere apologies. No. Bhaiya, whom you are asking for parents, you ask your friend to write your parents' name. Okay. Okay. He can write your parents' name, no? Okay. Yes, okay. You ask any yogi to write your parents. So you are telling that behavioral issue कैसे लिखना अगर किसी का behavioral issue से problem है तो in my sense I am facing the problem of aggressiveness in my family from my family aggressiveness okay. addiction like that okay Didi daughter health Clara Alice वो daughter's health hmm. डॉटर को लाना डॉटर का हेल्थ के कारण आपको समस्या है तो परिवार से आने वाला समस्या लिखना है वो हम थर्ड राउंड में जाएंगे ठीक है नहीं नाउ नाउ लेट अस मिनिमाइज लेट अस द प्रॉब्लम्स वी आर फेसिंग फ्रॉम द बिहेवियरल प्रॉब्लम्स और उसका अंदर बाहर करना आगे सामने पीछे करना उनका हमको ना जाने देना कंट्रोलिंग एंड नॉट टू डू अलाउ अस टू कीप श्री माता जी अल्टरिन होम नॉट डू कैंडलिंग एट होम कैंडल द यूज ऑफ क्रिश्चियंस नॉट फॉर हिंदूज लाइक ऑल दोस थॉट्स आर देयर इन सम फैमिलीज इन आवर सेंट्रल सो आई एम फेसिंग दिस वन व्हेन आई लाइट द कैंडल सो ऑल दिस प्रॉब्लम्स आर मेकिंग अस कीपिंग टेकिंग अवे फ्रॉम आवर एसेंट बिकॉज वी कांट डू अ क्लियरेंस एट आवर होम See that Rajesh from Mangalore, he's not doing, cannot do. So many are there like that. So we cannot use the five elements at our home. We cannot do shoe beat. We have to hide someone who goes to jungle or park and somewhere like that. So these all are the obstacles because of our family in our ascent. Samajh mein aaya aapko? सो ऐसे लिखना है ऐसे हमको लिखना है सो इट इज लेफ्ट टू यू व्हाट यू हैव टू राइट बट द टॉपिक इज द प्रॉब्लम वी आर फेसिंग फ्रॉम आवर इन आवर एसेंट फ्रॉम एनीबडी हु इट इज बट नॉट टू राइट पेरेंट्स नेम हस्बैंड्स नेम एंड इन लॉस नेम दैट्स ऑल बट वी हैव यू हैव यू आर फेसिंग सम प्रॉब्लम्स फ्रॉम देम because of behavioral problems or conditioning aggressiveness some whatever it is to write that behavior not my parents behavior not like that from my family like that hum agar parents se mummy papa se sasur ji sasuma se aur pati se kuch samasya ko face kar rahe hain hamare ascent mein sahyoga follow karne mein हम उनको नाम नहीं लिखेंगे मेरे परिवार में होने वाले ऐसा वाला बिहेवियर्स फॉलोइंग गुरुस और एग्रेसिवनेस ऐसे लिख के हम उसको शुभिट करेंगे क्योंकि हर बार होता है मेरे पति का करो मेरे पेरेंट्स का करो हम बहुत लंबा लिस्ट हो जाएगा अभी तो 2000 के नीचे हम जुड़ रहे हैं तो 2000 लोगों का पति का पेरेंट्स का नाम लिख के शुभिट करना नामुमकिन है इसीलिए हम ये चूज किया है
इस तरीके से हम कर सकते हैं। अगर आपको और भी ज्यादा ये है, आपका किसी योगी को बोलिए, आपका सेंटर वाला या इसमें जो कुछ है विराट के ए शोबिट में, उनको बताइए आपका पेरेंट्स का नाम बोली के, आपका ससुर जी का ससुमा का नाम बोली के, जिसका नाम आप नहीं लिख सकते हैं आप उनको बताइए जो विराट शोबिट में मेडिटेशंस में क्लियरेंस में जुड़ा हुआ है। ठीक है, लेट अस राइट स्टार्ट। So at the end, we write the badas and problems facing from these people in my ascent. इन लोगों से मेरे आत्मोन्नति के मार्ग में आड़ाने वाले सभी प्रकार के आड़ और बाधाएं हो गया सबका। अब हम बंधन देंगे। हमको बुद्धि को ज्यादा नहीं उपयोग करना है, तो चैतन्य को छोड़ देंगे। हमारे मन के अंदर जो जो चलता है ना, वो सब हर चीज आत्मा को, कुंडलनी माँ को, श्री माता जी को पता है। इसलिए हम डोंट थिंक मोर देन वी कैच। राइट स्वादिष्टाना, लेट अस गिव बंधन। Let us vibrate this. Let us once again take left chapel and give bandhan. फिर से हम left वाला chapel लेंगे और इसको bandhan देंगे। और once again looking towards sky. Being in total thoughtlessness, पूर्ण निर्विचारिता में रहते हुए आकाश के तरफ देखते हुए हमको हल्के हाथों से बीट करना है। Very slowly we have to beat with total निर्विचारिता, thoughtlessness and observing our left hand and सहस्रार। सहस्रार और left hand को महसूस करते हुए हम शो बीट करेंगे। Let us start now. पूर्ण रूप से सहस्रार खुला है, ब्रह्मरंध्र खुला है, राइट नाभि बहुत अच्छे से फ्लो हो रही है, नाभि खुला है। नाभि, राइट नाभि इज द पॉइंट वेयर वी सरेंडर एवरीथिंग टू श्री माता जी। राइट नाभि इज हैप्पी नो विच कनेक्टेड टू लीवर।
लेट अस स्टॉप नाउ. वेरी बहुत अच्छे से चैतन्य आ रहा है. लेट अस कलेक्ट दिस एंड थ्रो इनटू स्काई. इसको इकट्ठा करके आकाश के तरफ हम फेंकेंगे. Once again, let us clean this place. And for agurus and kugurus, guru din hai, guruvar. So, hum guruvar ko aguru kuguruon ke liye hum karenge. Waise hum pura humanity ke liye karte hain guruvar. Uske saath guruvar ko aguru kuguruon ke liye bhi uska naam likhke, jisko hamare family wale ya humne pehle follow kiye the, uske liye karenge. Now. Let us put one more for this is personal round for our. ये हमारे लिए है, ये हमारा round है. ओए, ओए, उमेश, forgive me for 1 minute. Let us write our name. पद्मा मेरे नाम है, आप अपना नाम लिख के लीजिए. हमारे अंदर के अहंकार, प्रति अहंकार, अहम भाव, आई एम सुपीरियर, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, शारीरिक समस्याएं, फिजिकल प्रॉब्लम्स, मेंटल प्रॉब्लम, फिजिकल एंड मेंटल प्रॉब्लम्स, मानसिक समस्याएं, इमोशनल प्रॉब्लम्स, ऑल टाइप ऑफ कंडीशनिंग्स, इंट्रोस्पेक्शंस की कमी, अटैचमेंट, सिक्स सटल एनिमीज, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य, सरेंडरनेस की कमी है, सरेंडरनेस की कमी, और जो जो आपको लिखने का है आप लिखिए. तो बैड अटेंशन, चंचल चित्त, अटेंशन ऑफ अदर्स ऑन अस, आवर अटेंशन ऑन अदर्स. यदि कोई चक्र में अगर बाधा है तो वो भी लिख सकते हैं क्या? चक्र में जैसे विशुद्धि आ गई, ऐसे कुछ चक्र में आते तो भी लिखना है. चक्र को चक्र के नाम नहीं लिखना है. चक्र के अगर विशुद्धि है तो आपको इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है क्या, साक्षी भाव की कमी है क्या, माधुर्य की कमी है क्या, सामूहिकता की कमी है, वो उस क्वालिटी में जो कमी है उस कमी को लिखना है हमको. सामूहिकता की कमी ऐसे लिख सकते हैं. और परिवार से आने वाले सभी प्रकार के समस्या है. दीदी आपका डॉटर के लिए परिवार से आने वाले समस्या है, आपके बेटी का शारीरिक समस्या, हेल्थ प्रॉब्लम के कारण आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी हो सकता है. फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, सोशल प्रॉब्लम्स, पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम्स फ्रॉम मीडिया, एडिक्शन, अगुरु गुरु सभी के बाधाएं, फॉल्स नॉलेज, फॉल्स माइन्यूट प्रॉब्लम्स वी आर फेसिंग इन आवर एसेंट. इसके अलावा सूक्ष्माति सूक्ष्म सभी प्रकार के अड़चने और बाधाएं हमारे आत्मोन्नति के मार्ग में आने वाले. नाउ लेट अस गिव बंधन. Let us vibrate this. Let us take right slipper now. Right वाला slipper. हम right वाला चप्पल लेंगे.
इसको उल्टा करके इसको बंधन देंगे, चैतन्य देंगे. लेट अस गिव बंधन, फ्लोइंग वाइब्रेशन, कीपिंग अवर अटेंशन ऑन सहस्रारा एंड फीलिंग वाइब्रेशन फ्रॉम लेफ्ट हैंड एंड फ्लोइंग फ्रॉम राइट हैंड. अब हम आकाश की तरफ देखते हुए आंख खुला रखते हुए वंस अगेन लेट अस बीट दिस वन विदाउट ओपन आईज, विद ओपन आईज लुकिंग टुवर्ड्स स्काई. अटेंशन सहस्रारा एंड बीइंग इन थॉटलेसनेस, निर्विचारिता में रहते हुए कार्य करेंगे. लेट अस स्टार्ट नाउ. कि कितना मोटे से अंदर आ रही है चैतन्य महाकुंडलिनी, हमारे अंदर जो प्रवेश कर रही है बहुत स्ट्रॉन्गली, थिक फोर्स ऑफ वाइब्रेशन इज फ्लोइंग इनवर्ड. महसूस कीजिए आपके अंदर जो चैतन्य अंदर आ रहा है वो कहां तक पहुंच गया. लेट अस स्टॉप नाउ. बहुत अच्छे से आज चैतन्य नाभि से लेके सहस्रार पूरा कवरअप हो गया है. लीवर क्लींसिंग का अनुभूति आप लोग सब कर रहे होंगे, आनंद उठा रहे होंगे. लेट अस थ्रो दिस टू स्काई लिमिट. हर एक ट्रीटमेंट के बाद उससे हमारे शरीर में जो हो रहा है परिवर्तन, आनंद मिल रहा है उसको हम महसूस करेंगे ना, तो फिर हम हमारे अंदर विश्वास और भी बढ़ता है श्री माता जी के ऊपर, और भी हमारा विश्वास, भक्ति, सरेंडरनेस, समर्पणा मनोभाव बढ़ती है. तो इसलिए हमको महसूस करने का. लेट अस वाइब्रेट वंस अगेन दिस प्लेस, गिव बंधन. Let us clean chappal and give bandhan. And let us clean our hand with giving bandhan, both the hands. हम अभी दोनों हाथों को धरती माता के ऊपर रखेंगे. लेट अस कीप बोथ द हैंड्स ऑन मदर चित्त सहस्रार में. लेट अस थैंक श्री गणेश एंड आदि भूमि माता. हे श्री गणेश, हे आदि भूमि माता, आपने हमसे सामूहिकता में शोभित करा के हमारे आत्मोन्नति के मार्ग में आड़ाने वाले सभी प्रकार के अड़चनों को दूर किया. इसके लिए आपके श्री चरण कमलों में हमारा कोटि कोटि प्रणाम. कृपा कर स्वीकार कीजिए.
हे श्री गणेशा, हे आदि भूमि माता, यू परमिटेड अस टू डू शुबिट एंड क्लेंस, रिमूव ऑल द ऑब्स्टेकल्स फ्रॉम इन द पाथ ऑफ अवर एसेंट. सो वी आर ऑफरिंग प्रणामास एट योर लोटस फीट. प्लीज रिसीव एक्सेप्ट अवर प्रणामास एंड ब्लेस अस. कृपा कर हमें आशीर्वाद कीजिए. थैंक यू श्री गणेशा, थैंक यू आदि भूमि माता, धन्यवाद. प्रणाम करेंगे दोनों हाथ जुड़ के धरती माता को. नाउ लेट अस डू स्काई वाइब्रेट, क्लाउड वाइब्रेट. वी आर हैविंग रेन सिंस यस्टरडे नाइट. हियर थिक क्लाउड्स आर देयर. नाउ आकाश के तरफ हाथ को ले रखते हुए हम क्लाउड वाइब्रेट करेंगे, pointing our fingertips towards sky, looking towards sky. Let us vibrate clouds. Let us pray. Hey Akash Devata, please cleanse us and receive the vibrations flowing from our chakras and body and spread it all over the area, all over the world. Hey Akash Devata, kripa kar hame shuddh kijiye aur hamare sharir se behne wala परम चैतन्य को, डिवाइन लव को पूरा एरिया में, परिसर में प्रसारित कीजिए और पूरा विश्व में फैलने दीजिए. लेट अस एंजॉय ऑल द फिंगर टिप्स एंड सहस्रार. If you want, you can loosen your fingers and एक बार उंगलियों को चाहिए तो हम फोल्ड करके खोलना, ऐसे थोड़ा एक्सरसाइज जैसा करेंगे और ऐसे पकड़ेंगे तो नसें अच्छे से जल्दी से खुल जाएगा. And who are going to gym? And who are having muscles exercise, they feel less vibrations because of the stiffening of the muscles. So vibrations will be there, but flowing of vibrations inside the muscle is little slow. So this is the reason. Some people are saying that we are doing all, but we are feeling very less. If you are going to gym and doing any muscle exercise, then it will maybe the because of that also. आप क्या बोल रही हैं कुछ समझ नहीं आ रहा है. अगर कोई जिम में जा रहा है, एक्सरसाइज कर रहा है, वो मसल को बनाने के लिए एक्सरसाइज करा के मसल्स को स्टिफ करते हैं, तो उन लोगों को चैतन्य की अनुभूति कम होती है, क्योंकि हमारा मांसपेशियां स्टिफ होती है, उसके अंदर वो स्लोली वो बहता है, इसलिए हमको अनुभूति में कमी आती है. टू बिट हो गया ना कंप्लीट? हो गया. अब हमको बंधन लेना है. आज बंधन नहीं लिया है, संडे है, सबके पास टाइम है करके अभी सेंटर है हमको. ठीक है, बंधन लेके चले जाइए, बंधन ले लीजिए. हाथ पांव धो के जाइए.
फील जय श्री माता जी जय श्री माता जी वर्षा भर रहे सुरवण मूला मूल क्लाउड वाइब्रेटिंग वर्षा भर पिन नाउ लेट अस टेक बंधन लेट अस टेक कलेक्टिव बंधन Thank you, Shri Mataji. Thank you, Shri Mataji. Jai Shri Mataji to all. Jai Shri Mataji to all. Jai Shri Mataji. 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 Male. Ah, male bartha ide. Haudu illu male. ವೈಬ್ರೇಷನ್ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವಲ್ಲ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಸೆಷನ್ ಇವತ್ತು ಸಂಡೇ ಅಲ್ವಾ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಇವತ್ತು ಧ್ಯಾನ ಮಾತ್ರ ಇದೆ ಓಕೆ ಓಕೆ